मैं सोच रहा था आप दीवार पे छेद करके, हाँ नहीं मैं सोच रहा था दीवार पे छेद करके अंदर लगा देता गाड़ी। नहीं बर्नआउट नहीं करूँगा, पेट्रोल तो निकाल लोगे, टायर कौन सी गाड़ी से निकालोगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सर व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो ज़्यादा दूर का नहीं है, अपने घर के पास तक का ही है। वो भी मैं चेक कर रहा हूँ एक्चुअली, क्या मैंने अपना हेलमेट का एक नया सेटअप लगाया है। बाप रे, ये वन वे के अंदर ये होता है भाई, पता भी नहीं चलता। ओके सो ये हेलमेट का मैंने नया सेटअप लगाया है क्योंकि मेरा जो पुराना वाला हेलमेट था वो चोरी हो गया था यार, जलमहल के सामने से। मैं जलमहल गया हुआ था कुछ काम से और मैंने साइड में रखा हुआ था वो, और वहाँ से कोई उसको उठा के ले गया। हाँ बट कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ जाती तभी नई चीज़ आती है। तो उसके बाद में फिर मैंने क्या, पहले वाले में मेरे को उलांजी भी नहीं लगा हुआ था, तो मैंने उलांजी भी लगाया है इस वाले हेलमेट में, नए वाले में। तो ये टेस्टिंग ब्लॉग है ओनली कि मेरा जो नया सेटअप है वो कैसा बना है। और हाँ, पहले वाले में क्या था, मेरा वो माइक जो था ना वो भी उसी के अंदर ही चला गया यार, हेलमेट के साथ ही। तो अभी ये चेक करने के लिए कि इसमें कैमरा एंगल कैसा बना हुआ है और कैसा नहीं है। हालांकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है, कुचरी यार बताओ यार, ऐसे घर बनाते टाइम पे ना ऐसे बजरी को ऐसे नहीं रखना चाहिए यार, ईंटें लगा देनी चाहिए साइड में, या कुछ ऐसा कुछ स्टैंड टाइप का कुछ लगा देना चाहिए ताकि हम जैसे लोग जैसा आएँ, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ यार एकदम से ऐसे रुकती नहीं है। और रुकने के बाद में फिर वापस से इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं तो बहुत गेयर भी डाउन करने पड़ते हैं, पेट्रोल भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये हमारा ऐसे छोटा मोटा सा व्लॉग है, ऐसे चेक करने के लिए कि हेलमेट जो है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है, माइक प्रॉपर लगा हुआ है। हाँ माइक का मैं बता रहा था, पिछले वाले हेलमेट में मेरा माइक भी चोरी हो गया था, वो साथ में चला गया था। तो अभी नया माइक, और वो तो अच्छा है, मैंने जो GoPro वगैरह, वैसे भी GoPro भी अगर होता तो मैं उसको साइड में रखता ही नहीं, अपने से चिपका कर रखता। विंड ब्लास्ट आना तो नहीं चाहिए यार ज़्यादा, आई होप सो कि ज़्यादा ना आ रहा हूँ। मैं सोच रहा था आप दीवार पे छेद करके, हाँ नहीं मैं सोच रहा था दीवार पे छेद करके अंदर लगा देता गाड़ी। नहीं बर्नआउट नहीं करूँगा, पेट्रोल तो निकाल लोगे, टायर कौन सी गाड़ी से निकालोगे। छोटी सी राइड जो है ये होगी अपनी आज यहीं पे कंप्लीट, क्योंकि जहाँ जाना था मेरे को जाके आ चुका हूँ। टेस्टिंग भी मैंने इसकी करी थी, अभी वहाँ पर बैठ कर के मैंने सुना था इसका साउंड, तो साउंड ठीक है, मतलब नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी बैड, ठीक है, एवरेज है साउंड। और वो है वो आप लोगों के कमेंट्स बताएंगे भाई कि किस तरीके का साउंड आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, जगह दे दो भाई, कहीं से तो निकलने दो। चलो आप निकल जाते हैं लॉन्ग साइड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, EcoSports बहुत बढ़िया। रात को 9 बजे बाद, 10 बजे बाद सारी रेड लाइट ग्रीन लाइट सब बंद हो जाती है, बस एक येलो लाइट थी, देखो और चलो, देखो और चलो, बस। यहाँ पर यार ये पोल बना, ये इसके क्या कहते हैं, सीवर लाइन के होल हैं, इनके ऊपर ये देखो इस तरीके से ये जाल लगा हुआ है इस पूरी रोड के अंदर। और यहाँ पर ज़्यादातर एक्सीडेंट ये इसी की वजह से होता है। लोग को बचाने की कुछ ये आ गया, एक और बचाने की कोशिश करते हैं, साइड लेते हैं, वन वे है, ये देखो सामने से गाड़ी आ रही है, या तो सीधा ठुक जाएंगे या फिर ब्रेक मार के अंदर लेंगे तो इधर पीछे वाले से ठुक जाएंगे। ब्रेकर के साइड में हमेशा टूटा हुआ रहता है, हर ब्रेकर के साइड में ज़्यादा साइड से निकाल के लोग ब्रेकर तोड़ देते हैं। चलो जी घर आने वाला है, छोटी सी राइड हो गई हमारी कंप्लीट और अब मैं घर जाकर इसकी एडिटिंग करूँगा, देखूँगा कि साउंड कैसा हो रहा है, आ रहा है क्लियर या नहीं आ रहा है। उसके बाद में अपन कोशिश करेंगे हमेशा रेगुलर रहने के। अभी तक मेरे शॉट्स आ रहे थे, अभी वो शॉट्स मेरे पूरे हुए नहीं है उत्तराखंड ट्रिप के, तो वो उत्तराखंड ट्रिप के शॉर्ट्स भी मेरे अभी पूरे होंगे। पहले तो मैं इसका साउंड टेस्ट करूँगा घर पर जा करके, और अभी इसमें जो ये चिन माउंट है जिस पर ये मेरा GoPro लगा हुआ है, अभी तो इसको मेरे को सेट करना है अभी। और बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है यार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। और कुछ ज़्यादा नहीं है यार सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, बट फिर भी यार कोशिश करना कि इसको आप सब्सक्राइब करो। अभी इतनी अच्छी, मैं मानता हूँ यार इतनी अच्छी वीडियो शायद हो सकता है कि आप लोगों को नहीं लग रही हो, जिस कारण से मेरा जो सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे हैं चैनल, बट होप्स हो कि मैं आगे चल करके और अच्छा बनाऊँ। जय शिव शंकर, तो होप्स हो कि आगे चल करके बहुत और अच्छे मैं ब्लॉग बनाऊँ या वीडियोज़ बनाऊँ। चलिए अभी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।